Jadi sudah sering satu lima kali. Paling kuningnya parmatanya dari satu berbanding suruh saya beri gas mata lagi. Paling kuningnya parmatanya dari satu berbanding suruh saya beri dimale berum sahur mata lagi. Paling kuningnya sini berdeo mata lagi. Satu berbanding suruh saya mata lagi berwarna lagi. समागम के लिए शाम के छे तो अठ के समागम के पहुंचे हुए सतगुरदेव जी के प्रेमी हंसो साढ़े कंडी के संध्याणी नगर तो कीर्तन मंडली जड़ी के बाबा सिद्ध चरण के हाजरी लाने वास्ते पहुंची सी इत भी आई मैं अद्धे घंटे वास्ते सतगुरु जी दरबार बैठे साहब जी के गुणगान करने वास्ते टाइम दिता था लेकिन लेट हो गए लेट होने करके 10 मिनट के बीच ही इन्होंने हाजिरी लाई है। दूसरे रूप में सतगुरु गरीबदास साहब जी महाराज हैं। तीसरे रूप में धन सतगुरु ब्रह्म सागर जी धूरी वाले महाराज हैं। उन्होंने अवतार संबंधी कथा का आयोजन इस दरबार में चलता है। कुछ देर परसों कथा का प्रारंभ होया था लेकिन मैं सभी संगतों को बेनती करता हाँ कि सतगुरु देव महाराज के दरबार विखे जिस समय कथा सत्संग होता है उस समय ना तो कुटिया दे विच कोई होर प्रोग्राम चलता है ना ही कोई होर सेवा चलती है। सभी संगत बाहरों आ रही संगत पिंडवासी संगत साहब की अवतार लीलन को सुनने की कोशिश कर हिरदे च धारण कर अपने इष्ट देव की अवतार कथा को सुन के हिरदे च धारण कर परम लाभ होगा। इसलिए बंदी छोड़ महाराज के दरबार विखे संगत की सेवा में मैं समागम के कामों में व्यस्त होता हुआ भी सोच रहा हाँ कि मैं अपने इष्ट देव जिन्हों के नाम पर ये सारा समागम हो रहा है जिन्हों के नाम पर सभी संगत आके आनंद माण रही हैं जिन्हों के नाम पर यह भूमि नमस्कार करने योग है जिन्हों की अमृत में बाणी का असं निरात पाठ करते हाँ उस साहिब की कथा कुछ टुटे फुटे शब्दों के मैं उच्चारण करने की कोशिश करा तो मेरे लिए सब तो अच्छा कार्य होगा ऐसा मेरी अपनी समझ का फैसला है। बंदी छोड़ साहिब प्रभु संत कबीर महाराज जी उन्हां दा अवतार काशी विश्वनाथपुरी के धाम विच होया उस समय की स्थिति जी थी वो बड़ी ही दयनीय थी अर्थात संगत आम
जन प्राणी जो है बड़ी मजबूरी में था, अपने धर्म को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी बहुत जनता उस प्रभु वालों भेजी हुई, इस मालिक वालों उस फजल के दरबार पिछों आए हुए प्राणी धर्म गुरुआ दे उपदेश अनुसार गुमराह हो रहे सन। लोधी वंश के सिकंदर बादशाह का हिंदुस्तान के उत्ते राज था। 15वीं सदी दे विच जो हिंदुस्तान के सम्राट सिकंदर लोधी सन और उन्होंने शाही वीर उन्होंने शाही वीर शेख तकी जेडे के बले इलम के जानकार कई किस्म के इलम जानते सन। उस समय बहुत बड़ा विस्तार के नाल हिंदुस्तान था। संसार दे विच दोने ही देश हिंद और जिंद दोने ही बड़े देश सन। दूर तक था इतों तक के कावल कंधार तक मक्का मदीना तक हिंदुस्तान का एरिया था। उस विच जिथे हिंदुस्तान के सम्राट सिकंदर लोधी के हुक्म नाल कोई उन्होंने मर्जी के खिलाफ बोल नहीं सकता था, हिंदुस्तान के सम्राट सिकंदर लोधी की संकल्प थी, बादशाही थी, हुकूमत थी, उत्थे किसी भी धर्म के प्रति शेख तकी के हुक्म नाल स्वाए मुस्लिम धर्म तो मुहम्मद धर्म तो अलावा किसी को भी ज़्यादा बोलने का हक नहीं। पूरे हिंदुस्तान दे विच ये दोने ही हुकूमत के हिसाब नाल बादशाह सिकंदर लोधी धर्म गुरु के हिसाब नाल शेख तकी का हुक्म चलता था। उस समय बड़ी विचित्र लीला थी, जिन्हें काजी मुला थे सब जनता जबरदस्ती मुसलमान बना रहे सन। इतों तक के शहर के बीच गेट बना के जितों सारी जनता लंघती है उन्होंने उत्ते इलम करके काले इलम के नाल जंतर मंत्र टंगे जाते सन कि जो भी इस रास्ते लंघूगा उसकी बिरती मुसलमान जैसी बन जाएगी। ऐसे इलम कर करके गेटा के उत्ते टंगे जाते ताकि जनता उस वेले निकलती है, वह स्वभाव ऐसा ही बन जाए। और फिर हिंदू जनता जो है हिंदू जनता के बीच उस समय बहुत बड़ा ब्राह्मणवाद था। ब्राह्मण धर्म गुरु सन जो कि दूसरिया जिन्हें भी जातं हैं उन्होंने प्रति परहेज रखते सन। स्वशात बहुत थी, दूसरी किसी धर्म की जाति किसी भी किस्म का धर्म करने का हुक्म नहीं था। ऐसा उस समय का इतिहास जरा पढ़िया जाता है। उस समय द्रावण देश हिंदुस्तान से ही एक एरिए तो चल के गुरु रामानंद महाराज जी काशीपुरी एक हिंदुस्तान के हिंदू संस्कृति हिंदू धर्म की पहला तो ही
प्रभु विश्वनाथ महादेव महाराज की धरती एक महान तीर्थ हिंदुस्तान एक महान था। पहला तो ही इतने ज़्यादा हिंदुस्तान के हिंदू लोग बसते सन, ब्राह्मण बसते सन, विद्वान संत बसते सन, इधर भक्ति का प्रचार करने वास्ते गुरु रामानंद महाराज जी काशीपुरी के आए, भक्ति का प्रचार कर रहे सन। ब्राह्मण जिन्हें भी विद्वान हैं, जिन्हें भी वेद शास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं, उन्होंने गुरु रामानंद महाराज जी एक भक्ति की शिक्षा देते हुए सरगुण ब्रह्म की भक्ति करने वास्ते उन्होंने प्रेरणा देते सन। एक बहुत बड़ा अभियान था हिंदुस्तान के हिंदू संस्कृति को बचाने का, जिहड़ा कि गुरु रामानंद महाराज द्वारा हो रहा था, लेकिन उस भी जात पात का बहुत वेरवा था। मुसलमान लोग जात पात में कुछ नहीं समझते सन, जो भी उन्होंने पास आ गया उसको आदर सत्कार देते सन, सुविधा देते सन। इसलिए बहुत जनता जी हिंदुस्तान के मुसलमान बन रही थी, क्योंकि दूसरे पास उन्होंने नफरत की जाती सी, ब्राह्मण वालों नफरत की जाती सी, फिर मुसलमान जोड़े हैं उनका सत्कार करते सन। इस करके जनता बड़ी विचित्र स्थिति के बहुत परेशानी के उस समय सतगुरु कबीर साहब महाराज का अवतार होया। असं देखते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की धारा नाम का सिमरन सुरती द्वारा नाम का सिमरन करता सब तो पहला साढ़े हिंदुस्तान के संत मत दे कबीर साहब महाराज आदि प्रवर्तक हुए हैं, संत शिरोमणि हुए हैं, जिन्ह के समय के भक्ति की लहर शुरू हुई। पेट की गुरुमाशी गुरु रामानंद महाराज जी ने अनेक अनेक शिष्य सन, एक शिष्य अष्टानंद महाराज जी लहरताना तालाब के किनारे बैठ के सिमरन दे विच भक्ति दे विच लगे हुए सन। गेट की पूर्णमासी वाले दिन अचानक उन्होंने देखते देखते एक प्रकाश में ज्योति उतरी, एक पुंज का प्रकाश उतरिया और उस लहर तारा तालाब के एक कमल के उ बच्चे के रूप में प्रकट हो गया। स्वामी अष्टानंद महाराज जी ने अपने गुरुदेव को भी यह चमत्कार दिखाया, उन्होंने भी ये उन्होंने को भी जाके दसा कि ऐसा सानू दिखाई दिता एक बच्चे के रूप में तो शक्ति जी कमल के फुल के उत्ते बाल रूप के बिखेरती हुई सानू नज़र आई। लेकिन फिर कुछ क्षण तो बाद लोग हो गए, स्वामी अष्टानंद महाराज चले गए, उस शक्ति बाल रूप के खेलते हुए दोबारा फिर नीरू नाम का जलवा मुसलमान था, जो कि पहले समय के हिंदू था लेकिन मुसलमान बन गया, अपने घरवाली के नाल अपने सहुरे तो आ रहा था, उस समय ही होया था शादी हुई। जब उस तालाब के किनारे तो लंघता है तो वह शक्ति बाल रूप में खेलते हुए कमल पुष्प से नज़र आई, उन्होंने उस बाल रूप में उठा लिया। भीमा ने बाल रूप के सतगुरन उठा लिया, वीरू कहन लगा भीमा नूं के साथी संसार अपजस होगा
ऐसा ना करो, अपने घर वाले को कह लगे ऐसा ना कर, पता नहीं कैसा बच्चा है कौन है। लेकिन आकाशवाणी हुई कि थोड़ा संसार जस होगा, थोड़ा संसार बहुत जस होगा। ऐसे सुनने नाल उस बच्चे को उठा के ले आए। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाता, एक घंटे के तो सतगुरु जी घर में ले आए। घर में बहुत खुशियाँ हुई, दुनिया इकट्ठी हो रही है। सतगुरु कबीर साहब महाराज माल रूप के ना कुछ खाते हैं, माता के सतनाम में दुध भी आ गया प्यार नाल, उसकी ममता जागृत हुई, बच्चे के प्रति दुध आ गया। सतनाम से दुध आ गया लेकिन बच्चा दुध नहीं पी रहा। पलने में चलाते हैं तो सो नहीं रहे, ना रात को सुनता है ना दिन को सुनता है ना कुछ सुनता है। इसी वस्ता कई दिन बीत गए, घर के खुशियां भी हैं लेकिन हैरानी है कि बच्चा उसमें क्या हो गया, ना माता का दुध पीता है ना पानी की कोई चीज उन्होंने लाता है ना सुनता है। बहुत क्या मुझे दिखाया जो केले थे मुसलमान थे जो जानते थे इस फिल्म को दिखाया। कई ने कहा कि बच्चा शुभ है सही नहीं है, थोड़े लिए भारी है, मारन का इरादा भी किया गया है। लेकिन सतगुरों ने कौन मार सकता है, आखिर उन्हों का मन जरा है इस वाल प्रेरित नहीं हो जाता। इसी अवस्था में इसी चिंता में तो माता पिता आशीर्वाद बीत गए, दस बीस दिन बीत गए। शिव भगवान शिव भोलेनाथ एक इंसान का रूप धारण करके उन्होंने घर आ गए। उस बच्चे को माता तो लैके अपनी गोद में लिया, नज़र नाल नज़र जोड़ ली, प्रणाम किया, नज़र नज़र से मिल गए, किया ईश प्रणाम, प्रणाम किया और उन्होंने नाल रहस्य दे विच गुप्त रूप दे विच नज़र नज़र करके वार्तालाप होया। इस गुरसिया को सतगुरों के बाल रूप दे विच सत दफा सत 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 की आवाज आई। आपस में नज़र नज़र नाल ज्ञान गोष्ठी हुई शिव भोलेनाथ के नाल। उस समय पिता को कह लगे एक बिना सुई हुई मच्छी लेके आओ, लेंदी शिवा ने उसके उत्ते हाथ रखा, उसके थणा के दुध आने लग गया। वो दुध लिया के शिव भगवान ने उस बच्चे के मुँह में लाया, उन्होंने मच्छी का दुध सतगुरु जी रोज पीना आरंभ कर दिता। उन्होंने सतगुरु जी की ज्यों ज्यों बड़े होंगे हैं उन्होंने लीला बड़ी विलक्षण, उन्होंने वचन बड़े विलक्षण, उन्होंने स्वरूप बहुत सुंदर। माता पिता ने अपने मुसलमान धर्म के अनुसार नाम रखने वास्ते काजी को बुलाया, कुरान लेके काजी आए।
सुन्नत कर लगे सुन्नत नहीं हुई, अंग कटिया नहीं गया, अंग भंग नहीं हो सकिया। नाम संस्कार होने लगा तो जो प्राण खोलते हैं, सकल प्राण कबीर है, अर्थ लिखे जो लेख गरीब दास महाराज उन्होंने लिए अवतार ये जग के उन्होंने दीन वजू के इतना बड़ा नाम किसी का नहीं रखा जाता, क्योंकि अल्लाह ताला तो बिना कबीर किसी को नहीं किया जाता। कबीर सब तो बड़ा है। काजी कह लगे कि यह नाम जो कुरान दे विच लिखा जा आ रहा है, इतना बड़ा नाम किसी बच्चे दे लिखण रखण दे लायक नहीं है, लेकिन मैं इस बारे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कुरान दे विच इस तो अलावा होर कोई हुक्म नहीं आ रहा। उनका नाम कबीर रखा गया। जदों सतगुरु जी 5-6 साल के होए, उन्होंने लीला थी, उन्होंने संसार के भरम दूर करने वास्ते, पखंड दूर करने वास्ते, शंका का प्राणियों का निवारण करने वास्ते, भक्ति की उस प्रभु परमात्मा की भक्ति को सब तो श्रेष्ठ सिद्ध करने वास्ते ही प्रभु परमात्मा ने हिंदुस्तान के जम्मू द्वीप की इस धरती से अवतार लिया था। उस दे विच सतगुरु की ऐसी लीला वरती, पहला तो गुरु रामानंद जी को उन्होंने गुरु बनाया और ये लेट गए, सवेरे तड़के इशनान कर जाते हैं, ठोकर लगी, उठ बच्चा राम कह, बस इतों ही गुरु मंत्र धारण हो गया, तो राम का रूप थे, राम कबीर कुछ अंतर ना है। राम कबीरा एक बये है कोई न सके पहचान, तो पहले राम रूप है मर्यादा पूरी की, और जो एक महान पुरुष जो कि हिंदू धर्म का धर्म गुरु एडे बड़े, जेडे कि ब्राह्मणा को ही सारे ही शिष्य बनाते सन, काशी के कबीर साहब महाराज ने घोषित करता कि मेरे गुरु रामानंद, बड़ा रौला पै गया। रामानंद को गल पहुँच गई, उन्होंने पर्दा ला के बुलाया, पूछया क्या कबीर, बेशक गुरु अष्टानंद जी स्वामी अष्टानंद जी को पता भी लग गया था कि ऐसा इस तालाब के अंदर चमत्कार होया है, आकाश को लाई जो गुजरी है, लेकिन फिर भी उन्होंने पहचानना मुश्किल हो गया, क्योंकि अंदर ऐसे दृढ़ संस्कार सन कि जो शूगर जाती है छोटी जाती है ये भगवान आ ही नहीं सकता, ये भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती। उन्होंने बंदी ना समझा जाए, बस ऐसा समझो छोटी जाति वाले ने ऐसा छूतछात गुरु रामानंद महाराज के मन च बैठी हुई पहचान नहीं सके, पर्दा ला के पूछ रहे हैं। तो सतगुरु जी ने जात पात के बारे में पूछा, कह लगे जात हमारी जगत परमेश्वर पर पंथ, मेरा पंथ भी परमेश्वर है, मेरी जात भी जगत परमेश्वर, ऐसे थे गुरु रामानंद महाराज जी बड़े परेशान हुए कि छोटी जाति का यह बच्चा कैसी बात हो गई। तो पूजा के बिच जो अंतर जामता की गल दसी, अंदर पूजा कर रहे हैं ठाकर जी की, विष्णु विशंभरनाथ चतुर्भुज महाराज की मूर्ति अंदर स्थापना है, पूजा कर रहे हैं, मुकुट पहना दिता, ख्याला के माला पानी भुल गए। तो बारह कबीर साहब महाराज कहते, गुरुदेव परेशान क्यों हो रहे हो, मुठ खोलने अगर बेदबी है तो इस माला की कुंडी खोल के फिर माला कर दार, स्वामी कुंडी खोल कर फिर माला कर दार, गरीब दास भजन को जानते हैं करदार।
है थोड़ी श्रद्धा वो मालिक जानता है उनकी बोल के बड़ा पा दो जब तो पढ़ते थे पीछे ऐसा बच्चा बोल रहा रामानंद जी अखा खुल गई वीर जलाहा जो है वीर जलाहा नहीं हो रहा है पता चकता ज्ञान गोष्ठी चालू हो गई। ज्ञान गोष्ठी के विच गुरु रामानंद जी वैकुंठ था विष्णु विशंबर नाता यदि पालन कर रहे हैं पुष्टि कर रहे हैं ये तो ऊपर गुरु कुछ भी नहीं जो कुछ है वैकुंठ नाथ। कबीर साहब महाराज गुरु रामानंद जी को कह रहे हैं कि क्यों जो अजल दरबार है जो मालिक है उसके दरबार में उल्टा ही विष्णु विशंबर हैं उल्टा ही शिव हैं उल्टा ही ब्रह्मा हैं उल्टा ही इंद्र है उल्टा ही धर्मराज हैं और उन्होंने साधना में जत जुड़े खड़े हैं उस दरबार की उपासना करो उस मालिक की सिमरन करो उस मालिक की भक्ति करो। गुरु रामानंद जी मानते नहीं हैं बहुत देर गोष्ठी चली आकर कह लगे कबीर बिना देखे तो मैं मन नहीं सकता अपने भरोसे को अपने निश्चय को बदल नहीं सकता। एडे बड़े धर्म गुरु गुरु रामानंद जी जेडे के साडे पूरे उत्तरी भारत के लिए मुखी सन धर्म के उन्होंने नाल ज्ञान कृष्ण हिंदू संस्कृति के गुरु रामानंद जी बहुत बड़े धर्मगुरु हुए हैं लेकिन सबों के पास बहुत देर ज्ञान गोष्ठी होने के बाद मैं लगे बिना देखे तो मैनू मना लेना आखिर उन्होंने दिखा दिता गंगा दत्ते उतर के लै गए तहां पांच चक्र पिया देख फैजल दरबार उस फैजल का दरबार फैजल मेहर सारी सृष्टि के मेहर करने वाला मेहरबान सारी सृष्टि के दया कृपा करने वाला हर प्राणी के दया कृपा करने वाला हर प्राणी को संभालने वाला हर प्राणी की देख रेख करने वाला हर प्राणी का मालिक जरा है उस मालिक का जो दरबार है उसको सतगुरु जी फैजल दरबार कहते हैं क्योंकि उसे संखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं कह दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सो एक देव दिल्ली दस 20 साल पहला दरबार साहब छपरे सन सतगुरों का सेवक सोमनाथ हम श्री सतगुरु क्या है उन्हें दसा कि सतगुरु पूरी बारे महाराज जी छोटे छोटे बच्चों बाणी सुनते सन सतगुरों की जोड़ा बाणी सुना श्लोक सुनाता मंगलाचरण सुनाता प्यार देते सन बच्चे अपने अपने हिसाब से श्लोक याद करके आते सतगुरों को सुनाते सन मेरा भी नंबर आया मैं कोई याद नहीं थी बाणी कह लगे सतगुरु ये बाणी याद करके है ना सू बाणी सुनना बद्धेश्वर महाराज अगली बार में मैं कहते ये श्लोक याद कर लिया मेरे पिता जी ने दसिया संखो लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सो गरीब दास महाराज की बाणी है। तो जो मैं कहते दोबारा गया छे महीने बाद सतगुरु ने नौत की सतगुरु ने जल बुला लिया उसे की कहा हजारा बच्चे आते चाहे बोले कितने कितने याद है भगवान को सारे जीवन का पता कहने लगी बाणी याद है वो सुनाया ये श्लोक सुनाया सतगुरु जी बहुत पसंद हुए उन्होंने उन्होंने हाथ में कहते मेरे प्यार दिया संखों लहर मेहर की वो मालिक का सुख सागर जड़ा है उस मालिक का दरबार है उस मालिक के मालिक का रूप धारण करके सतगुरु जी आए
ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸ਼ਕ, ਉਸੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਹੀ ਭਜਨ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਸੰਖੋਂ ਲਹਿਰ ਮਿਹਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਹ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਜਨ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੇਕ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਵੱਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਤੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜੋ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਆ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਲਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਕਰਮ ਗਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਕਰਮ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੇਚੈਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਖ ਤਕੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹਕੀਮ ਤੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਲਣ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਸ਼ੇਖ ਤਕੀ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਨੰਦ ਧਰਮ। ਇਹ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੇਖ ਟੱਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਤਾ ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
शेख तकी नूं पता लग्या इस तरह करके कबीर नाम के शिष्य उन्होंने हम जिहड़े कि बड़े करामात जानते हैं क्योंकि मुसलमाना के करामात ही मुख है करामात इलम इन गलों मानते हैं करामात के ही सारा कुछ है कोई लख का तो नहीं करामात हो चाहे करोड़ का तो नहीं करामात हो करामात ही भक्ति वाला जरा बरका है वो यही अपना नाम तो एक कबीर करामाती है वो रामानंद के ऊपर है ऐसा पता लगे शेख तकी नो तो शेख तकी अंदरों अंदर परेशान होया कि राजा उसे क्या के ठीक हो गया साढ़े को ठीक नहीं होया कितने साढ़े राजे गुलाम हकीम हैं साढ़े धर्म की तोहीन है दीन की तोहीन है मजहब की तोहीन है इस करके उस दिन तो लैके कबीर साहब के नाल अंदरों अंदरी बड़ी द्वेष उसके हिरदे पैदा हो गई आकर कबीर साहब महाराज को खत्म करने वास्ते उसकी शक्ति को देखने वास्ते राजे का शाही पीर जो है वो राजे को हुक्म करता है लेकिन राजा जिहड़ा के उस शक्ति को जान के अपने दुख को दूर होए ते श्रद्धावान बनया होया है लेकिन अपने पीर की बात को बदल नहीं सकता तो वे लगते हैं राजा भी मजबूर है इसलिए उस पीर के कहते राजा काशी दे विच आ गया जो सतगुरु कबीर साहब महाराज का उपदेश है उस विच उन्होंने क्या कहने गौ हमारी मात है पीवत जिसका दूध गरीब दास राजे को डल बदल किया इसलिए भी बरकरार की हुई कबीर साहब महाराज कह रहे हैं गौ दास को तो कहते हैं माता के समान है माता का भी दूध पीता जाता है इसको बदल क्यों करते हैं ब्राह्मण विद्वान पंडित उन्होंने भी सतगुरु जी ने उन्होंने गल की कटता क्योंकि सतगुरु जी संसार अखंड इस मिटाण वास्ते ही सतगुरु जी कबीर साहब महाराज का अवतार इन बदलों लैके ताजी गुना शेख तकी ने बादशाह करके बादशाह सलामत ये जो कबीर है मुसलमानों के कार्य का जन्म होया हिंदू के नाल इनकी मुलाकात है गलबात भी है मुसलमानों की भी बात कट रहा है हिंदुओं की भी बात कट रही हिंदू से नहीं राम राम मुसलमान सलाम कहते ना मुसलमानों को सलाम करता है ना हिंदुओं को राम राम करता है ना इन असं मुसलमान कह सकते हैं ना हिंदू कह सकते हैं सतगुरु कबीर साहब महाराज राणी के सरखे ऊपर तुला लिया हुआ है उन्होंने ना हिंदू कहा जा सकता है ना मुसलमान कहा जा सकता है कहते पता नहीं हिंदू है या मुसलमान है ये बारे कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों तीनों की गलत करते इतने आगे पहला था एक गऊ कतल करके बादशाह ने कबीर साहब को बुला लिया क्या कबीर इस गऊ को जीवित कर दिया
क्योंकि साडा बेटा इस दुख का दुख पीता है। कबीर साहब महाराज कोई करम माता दिखाने नहीं आए सन, लेकिन संसार में प्राणियों को सच्ची सच्ची भक्ति के नाल जोड़न वास्ते आए सन। जिस दरबार के करोड़ा ही हिंदू करोड़ा ही विष्णु खड़े हैं, करोड़ा ही देवते हैं, सतगुरु पुरी वाले ब्रह्म सागर माता जी ने पंडित सुरेश पंडित नदी में अपनी कुटिया के लिए 33 करोड़ देवते बैठे हुए दिखाए सर। साले इस छोटी जी कुटिया के 33 करोड़ देवत्या का भी निवास सारे इतने बैठे हुए परमा विष्णु देश इतने बैठे हुए। कबीर साहब महाराज कहते इस निर्गुण पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम जपो सिमरण करो, जिसने तुम नहीं दी है जिंदी कृपा ना तुम श्वास ले रहे हो, जिंद धर्मराज हैं, जिंद ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महादेव जी हैं, सारे ऋषि मुनि हैं, धरती का रिश्ता है, कौन पानी पवन सब उस रिश्ता है जिसके सिर्फ चल चलाए हुए हैं, सारी पृथ्वी जल थल वनस्पति समुद्र जीव नक्त जीव जिन्हें भी जो कुछ भी दृष्टि आ रहा है उस मालिक का है, उस मालिक की भक्ति कर। गुरु नानक देव महाराज की तरह क्योंकि उसी मत में सन कबीर साहब महाराज का सारा मत शुरू हो गया है। एक ऐसे गुरु नानक का जल थल रहा समाय इसी तरह से गुरु कबीर साहब महाराज का उपदेश था। तो सतगुरु जी ने करम आप नहीं दिखाने की, लेकिन चुटकी चुटकी तारी था बोले गऊ जवाई देव और गऊ की कर दी। तो काकी मुला शेख तकी समेत बड़े परेशान हुए, गौरी दीदी हो गई, तो काजी मुला जड़े हैं वो कह रहे हैं सिकंदर बादशाह को कि बादशाह तोरा सरा उठा दिया काजी बुले कहने तेरा जरा सरा है तेरा दीन है हम जो सारा खत्म है। एक कबीर ने तेरे दीन में खत्म कर दिया है, तो बादशाह दुख लग गया 10,000 कलमा कोई मोटे भी लग गए मैं दरबार पर करके देना कहते इन अब समय मार लो 10 अहदी लै गए बंद कर शाह सिकंदर पास। शाह सिकंदर के पास पहुंच गए काजी 5,000 मुल्ला पीटे शीश गरीब दास व दुल्हन की काफर इस बेटे से काफर इस काफर को मार दिया। तो सतगुरु जी ने फिर दोबारा पकड़ लिया, पकड़ के जलो मारने वास्ते खड़े हुए एक गाड़ी ने मुंडा मारा सतगुरां दे पिछले उलट के टुटा मूर्छित हो गया, दूसरे ने लत मारी उलट के टुटा वो भी मर गया, रवाकाई का पिटना शुरू हो गया। बादशाह कहने लगे क्या किया काजी हम बुला क्यों आया। तो सतगुरु जी कहते
क्या बादशाह, मैं तेरा कुछ नहीं, मेरे उत्ते हथियार ने चक्या है अपने आप मेरे हाथ, मैं ना कुछ नहीं। कहते भाई जुड़े का बना बादशाह जरा है वो श्रद्धावान था, लेकिन अपने दीन सरे के बाहर नहीं हो सकता था। काली जी पर पग लग गया, बैठा हो गया वेग। सदगुरु जी ने दोनों जो बने हुए थे उन्होंने अपने चरण के नाल एक ठोकर मारी, उठ के बैठ गए। उठे बादशाह के श्रद्धावान होया और शेख तकी और परेशानी के बीच हो गया। आखिर उन्होंने सलाह की थी कि शेख तकी इलम करे मारे मुंह का जान। शेख तकी को कहने लगे तू मुठ मारो इसते जिते भी है मुठ जड़ी है कबीर दे पर मारो बन जाएगा। शेख तकी ने मुठ छड़ दी, सारे लगती मुठ छी। सतगुरु जी अपने निवास में चल बाहर जिते भी था मुठ जा रही है। सतगुरु को तो मुठ क्या लगनी थी, कुत्ता था कोल घूमता वो मुठ बची। सतगुरु जी ने कुत्ते का कंधे पर के उठा दिता और मुठ नहीं कहा कि जितों आई उत चला गई, उत चले गई, जेदे को आई उन्हें चले गई। मुठ आके शेख तकी ते पई, शेख तकी मर गया। मर गया बहुत बड़ा रवा पै गया, शाही पीर मर गया बादशाह का बहुत रौला पै गया। बादशाह दान दौलत का कभी देखो, फिर कबीर ने सारे पीर में मार दिया। सतगुरु जी ने पकड़ कर लिया है। सतगुरु कहने लगे भाई बादशाह जी तेरे पीर से मार के की तेरे पीर को सिंह मारिया, उसी पीर ने अपनी मुठ खोड़ की जी मार के। फिर बादशाह ने प्रार्थना की थी, शेख तकी जरा उन्होंने कर तो पढ़ के उठाया, हो के बैठ कर नीला हो गया। मैं विस्तार में नहीं संक्षेप में कह रहा, जब नीला हो गया तो जब पता लगे कि किसी तरीके नाल भी ये साडे काबू में नहीं आ सकते कबीर, फिर एक मसलत की काजी मुल्ला पंडिता ने मिलके के क्या हो सकता है। पंडित कहने लगे एक कबीर जड़ा है ना कोई खातरा की पूजा करता, ना तिल करता है, ना घंटी बजाता है, ना तो वेद शास्त्र पढ़ता है, जला हम मुसलमान है। फिर भी अपने आप में धर्म गुरु सिद्ध कर लिया, कोई विरोध में हो गए तो ब्राह्मण ने सभी ने मिलकर कहा बादशाह ने कि असी इसकी परीक्षा लेते हैं। एक चौकी के उत्ते अपने अपने सारे ठग इकट्ठे करके लेकर बना ले, कहते असं अपने ठाकर की पूजा करते हैं, ठाकर पूजा अर्चना करके उनका आह्वान करेंगे। अगर साड़ी भक्ति सच्ची है तो ठाकर साढ़े पास अपने आप साढ़े साढ़ा जो जीते जीते ठाकर उनके पास पहुंच जाएंगे। उस समय एक बड़ी चौकी के उत्ते
आकर सारी काशी के जितने भी पुजारी थे ब्राह्मण थे सभी ने अपने पैठा कर लिया कर अपने स्नान करा के धूप दीप होम दीप सब कुछ हवन वगैरह शुरू हो गए। घंटा दो घंटा इसी तरह चलिया, बादशाह सामने बैठा है, सारा ठाकर की पूजा कर ली, लेकिन ठाकर जेड़े हैं चौकी तो एक तिल पर भी नहीं मिले। सतगुरु ने बहुत लंबे विस्तार में लिखा है, कोई पीतल की मूर्ति है, कोई सोने की है, कोई चांदी की है, तरह तरह की मूर्तियां छोटी छोटी ठाकर दियाँ बड़ी चौकी रखी हुई हैं और सारे ही मिलके कीर्तन का उच्चारण कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो ठाकर किसी का भी ठाकर किसी के पास नहीं चल के आया। फिर बादशाह कहने लगा, उस समय सहरब की लीला के बिच उन्होंने गुरुपाड़ी गुरु रविदास महाराज जी नाम और विशेष बन गए सन। तो बादशाह कहने लगा, सच कबीर है दास तू कहे सिकंदर शाह, गरीब दास तो पत्ती सच नहीं दे सोच ला, कहते सोच सेज कहते हैं चौकी की सेज है कि सेज के उ जिन्हें भी ठाकर तुम बुलाओ ब्राह्मण तो बुला नहीं सकते, कोई ठाकर कोई मूर्ति तिल पर की मिली नहीं। कहे कबीर सुन बादशाह हमारी घर जावा, गरीब दास कुल बीच के तू आवे हर पास, कहते उसका बीच मैं जलाना है तुम्हार साढ़े पास से ठाकर के तुम्हार भी क्यों आप भी साढ़े पास दीन बचन दीन मत बोलत बदरे बहन गरीब दास अंदर चढ़े करें कर। लेकिन बादशाह कह लगा कि तुम पूरण हो तुम बुलाओ लिया पकावित दान सुर तम पूरे जनकार, गरीब दास गावट लगे दुल्हा और तुम्हार दोनों बैठ के तुम्हारे दिनार उस मार्ग दे साहब के दरबार की स्थिति राजा दरबार की स्थिति शुरू की थी। बहने तो रैदास हैं पानी को जट गरीब दास और बन के मिले आराम दोनों पास बादशाह के दोनों बैठे हैं, उन्होंने अपना बाणी के लिए उच्चारण की थी। राग रंग साहिब सुनया है उतरे तत्का गरीब दास आजी काशी पूरी सोच पगो के चार सोच चली बिन पगो के दुल्हे ली दी गोद। जिन्हें ठाकर थे बगैर पत्थर के ठाकर जिन्हें बगैर पैरों के चल चल के कबीर साहब महाराज की गोद में पहुंच गए, उसे ब्राह्मणा ने भी बहुत बड़ा दुख लगे। कबीर साहब महाराज कह रहे हैं ऐ देवतेओ ऐ ब्राह्मण उस मालिक की सच्ची भक्ति करो, ये पत्थर ने क्या सच्ची भक्ति में लग जाओ, लेकिन नहीं समझा नहीं, बड़े रान परेशान हैं दुल्हे को और तुम्हारे के पति के किस हेतु किस हेतु ना इधर चली गई नीच जातियां को पति है बड़े हैरान हैं सब। तो उस समय वो भी बड़े हैरान फिर शाह की पहला ही प्रार्थना बादशाही हुकूमत उसके पास थी, तो सतगुरु जी सिकंदर बादशाह का दरबार है। एक दिन अचानक हाथ में कमंडल के जल है चलते हुए बादशाह के दरबार में पहुंच गए, आसन पे बैठ गए, बैठे बैठे ने हर करते हुए ने कमंडल का जल अपने पैरों में सेक लिया। बादशाह ने रुक के बैठे गलीचे पीछे हुए तो जल इस कारण से क्या कहने लगे बादशाह जगन्नाथपुरी के जो पुजारी हैं उन्होंने एक पुजारी
खाना बना रहा था गर्म पर गर्म पानी उनके ऊपर गिर गया था, उसने जल जाने का खतरा था। इस करके उस पुजारी ने जल जाने में जान वाले समझे जल सकना सकता है। इतने काशी इतने जगन्नाथ हैरान परेशान ये सब महाराज चले गए अपने कुटिया के बीच। बादशाह ने उसी वेले जगन्नाथ पुरी को अपने को सवार भेजे, जाके पता किया कि फलाने दिन इतने क्या घटना हुई। कह लगे तो सारी गल जी उन्होंने दस दी, इस तरह करके पंडा जरा बजारी उपर पानी पी गया। कहते फिर वो बजाया कि नहीं, कहते कबीर सारे महाराजा ने बजाया, कहते कि कबीर हैं जिन्हें बजाया है, कहते वो काशी भी बसते हैं, कहते जगन्नाथ भी किसी है, कहते रोज जगन्नाथ भी पहुंचते हैं। नित ही आपने क्या था जगन्नाथ करवा गरीब दास उस दले दल दल हड्डी को अंडा दिया हो कहते नित आने ये जगन्नाथ करवा जब जो भी रोज हाजरी होनी है काशी वाले को भी नहीं हाजरी जगन्नाथ को भी अंदर पटियां लगाए लगाए कर लिख के दिया भगवान। वो आगे हो गए मुंडी सवार और सवार जो तेज था के दसिया राजे ने कहा कबीर का बहुत सर्व व्यापक है, काशी भी बैठा है जगन्नाथ भी विराजमान है। फिर शेख तकी ने सतगुरु जी नूं मार देने वास्ते एक खूह के सिख दिता। खूह सिख के ऊपर से खूब बंद करवा दिता। रैदास जी अपनी कुटिया में बैठे कीर्तन कर रहे हैं, जब दसम बैठे कबीर साहब आ रहे उन्होंने नाल बैठे कीर्तन कर रहे हैं। उत्थे भी उन्होंने जो जगत्ता फिर हो गया। फिर शेख तक ने कहा इस कबीर नूं जिहड़ा कि काफर है साढ़े दीन का दुश्मन है इसनों गंगा के उत्ते डुबो दिता जाए। तो डुबाउण वास्ते कबीर साहब महाराज नूं लै गए किश्ती विच बिठा के हाथों जड़ी है जो गरीबक बेड़ी पहराए गरीब दास गिरी रंग में तह दीना छंका है। हाथ पैर बंद दिते किश्ती सिट के ले जा के बचाले गंगा दे सिट दिता। चढ़ गए तो जजीर साहब लगे किनारे आए गरीब दास देखे कल किसों का बस नीचे नीचे गंग जल उपर आसन थी गरीब दास बूढ़े नहीं बैठे अदर कबीर। यौचर जी कैसा मैं देखे दोनों दिन गरीब दास का जी कहे बांध दिया जल से चेक तक कह लगा बादशाह ये को खास गल नहीं है ये जल में इसे बंद दिता जादू के नाल इसने जादू के नाल इस जल में बनिया होया है वो खास गल नहीं है डुबया नहीं है इस करके नहीं डुबया। बड़े बड़े शिला जी नाल बन के फिर सिद्धियों के बीच डूंगी गंगा के बीच सिर दे साल सारियां टुट के थले डिग गई कबीर साहब महाराज फिर उपर उपर जाते घूमते बैठे हुए। फिर शेख तकीन ने आके तीरां दे नाल गोलियां दे नाल इन्हों हटा दो गंगा विच घूमदे रहे बाहर गोले मारे तीर मारिया बहुत कुछ मारिया जो उन्होंने हाथ था वो मार के मारन की कोशिश की थी लेकिन सब कुछ महाराज कबीर साहब के नजदीक कुछ नहीं आया। तीर रोक ले सब चले तीर बाण कुमान गरीब दास लाए दुल्हा जल पर रहे अमान कुछ नहीं होया।
कोई तोप उन्हां दे नेड़े नहीं गई, कोई गोला उन्हां दे नेड़े नहीं गया, कोई तीर नेड़े नहीं गया। आखिर परेशान हो गए, दिल मुखुआ बोले नहीं, शास्त्र लगे ना बाण, गरीब दा सिर कौन गति कैसे मिलते प्राण, इसे प्राण असी कितना कट दईए, बड़े हैरान। जब सारे हार के थक गए तो सतगुरु जी चार पहर तक इसी तरह घोड़े चलते रहे, लेकिन सतगुरु कबीर साहब महाराज ने नेती कुछ नहीं पहुंचा। फिर सतगुरु जी अपने आप उन्होंने इच्छा पूर्ण करने वास्ते गंगा के डूब गए, थले चले गए, अपनी करनी सब थकी, सब करी थके दोनों दीन। गरीबदास अब्दुल हनी बैठ गए, जब सारे थक गए ना, सतगुरु जी अपने आप डूब, आनंद मंगल बोल बटे कटाई गए, आनंद हो गए सारे। ब्राह्मण भी छाला मारते है, आजी मुला भी छाप मारते है, क्या जी खत्म हो गया, अच्छा हो गया, ये सारा कुछ साड़ी दुकान खरी बंद हो रही थी, सब खत्म हो गया। कहते चलो रहता आज जी जाके बधाइया देिए, इन्हों के जोड़ीदार जाओ कर रहे दास हलकारे हजूर, गरीब दास खुशियां के कहो नहीं कुछ सारी गल दसो, कह दो उन्होंने बहुत बहुत बधाई, थोड़ा जोड़ीदार जो भाई जरा खत्म हो गया। जब उत्थे पहुंचे तो सतगुरु कबीर साहब महाराज गुरु रविदास जी को भी उत्थे बैठे कीर्तन कर रहे हैं, उन्होंने कीर्तन कर रहे हैं, झलर ढोलक बैठ है गावे शब्द कबीर, गरीब दास रहजा संग दोनों एक ही की, दोनों एक कीर्तन कर रहे। सब हैरान हुए, बादशाह कहने लगा है की प्रगट पूर्ण पुरुष है अविनाशी अला, होता पूर्ण पुरुष है अल्लाह का रूप है, उन्होंने अस मार नहीं सकते। उन्होंने अस मार नहीं सकते, गुरु रविदास महाराज कह लगे यह बादशाह बड़ा जुल्म होया, तुसी कबीर साहब महाराज ने कष्ट दिता, गंडा दे उत्ते डुबो दिता, तो जदों रविदास महाराज कह लगे कि चलो जिथे डुबोया है उत्थे जाके देखी, जदों देखते हैं तो गंगा के अंदर कबीर साहब महाराज विराजमान है, गंगा के बीच अगे दिखाई दिखा रहे हैं। अमृत पिंड है गंगे जल फूल अगाने कोल, गरीब दास का गंदगी खंडन करके ओर अंदर कबीर साहब महाराज गंगा के बीच बैठे हैं। बादशाह कहने लगे इन्हें बाहर कर, माफी मांगिए संकल सिंधी लाए कर उतरे तहन मला, गरीब दास हम बंदगी जाग की बादशाह, बादशाह वालों बंदगी की थी महाराज, चलो बैठ कबीर जहाज में आए गंगा घाट। गरीब दास काशी थकी हांडे बोल बोल थक गए सारे। फिर शेख तकी ने कहा के इंदिर नाम बन गए खूनी हाथी ने बोले सको, शेख तकी का बादशाह ने हुक्म होया, बादशाह ने बोला कहना नहीं बोलना था, तो सतगुरु जी ने खूनी हाथी उम्र जजीरा में बन के सर दिता। खूनी हाथी जरा है मोरे शेर दिख रहा है, सतगुरु जी की बाणी लगी आगे मैं पढ़ता तो ज्यादा ढंग लगूंगा, शेर दिख रहा है कबीर साहब महाराज जरा बने टेहरी सिंह के चौथ शिखर समान, गरीब दास शास्त्री रखिया देखे नहीं ध्यान, हाथी में शेर दिख रहा है। बाकी गुरु ने कबीर साहब जीरा वजह दिख रहे हैं, वो मस्त हाथी कुन्नी हाथी जरा तुम्हारे शेर दिख रहा है, शीश
ಪುಟ್ಟೆ ಶೀಶ ಮಹಾಪುತ್ರನು ಅಂತ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಬಿಡೀರ್ ದಾಸವಟ್ಟ ಬಗೆ ತಾರಿ ತಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾಭತ ಮಾಡ್ತಾ ಜೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಉಲ್ಟಾ ನಟ್ಟೆ ಐಸಿ ಭಕ್ತ ಕಬೀರ್ ಕಿ ಜಸಿ ಭಕ್ತ ಕಬೀರ್ ಕಿ ಅಸಿ ಕದಿ ನ ಕೋಯೇ ಗಿರೀರ್ ದಾಸ ಮಂದಿರ ಥಕೇ ಉಲ್ಟೇ ಭಾಗೇ ಹೋಯ್ ಜಿಸ್ ತರಹ ನರಸಿಂಹ ರೂಪ ದಿಖ ರಿಹಾ ಥಾ ಇಸಿ ತರಹ ಕಬೀರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಮಹಾರಾಜ ಶೇರ್ ದೇ ರೂಪ ವಿಚ ಹಾಥಿಯೋ ದಿಖ ರಹೇ ಹೈ ಲೇಕಿನ ಕೋಶಿಶ ಕರ್ತಾ ಮಹಾವತೀ ಗರ್ಭದೇವನ್ ಮಾರ್ದೇವ ಲೇಕಿನ ಮರ್ದಾ ಪೀರ್ ಪಾನ್ ದೇಖ್ಯಾ ಕಬೇ ಖರಾ ಕಿ ಸಿಂಹ ಪೀರ್ ಪಾನ್ ಕೇ ಉಪರ ಮಹಾವತ ಹೈ ಗರೀಬ್ ದಾಸ ಆಯೇ ತಾ ಧರ್ ಮೌಲಾ ಹೋ ರಹಾ ಉತ್ತರೇ ಮೌಲಾ ವಾಸ್ತೇ ಭಾವ ಭಕ್ತಿ ಕೇ ಹೇ ಗರೀಬ್ ದಾಸ ನಾ ಶಾಲ ಕೇ ಶಾಮ ಪೀರ್ ಕು ಸೇವ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਉੱਥੇ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਰਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਨਰਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਘ ਏਕ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਆਇਆ ਰਾਖਣ ਤਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਰਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਸ ਐਸਾ ਰੂਪ ਮਹਾਭਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਥੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਧ ਕੁਹਾੜਾ ਭਲ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੀਨਾ ਭਾਰ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਸ਼ਾਹ ਯੂੰ ਕਹੇ ਬਖਸ਼ੋ ਤੁਰਤੀ ਮਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੰਧੇ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜ ਹਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਾ ਤੁਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਿਮਾ ਪੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਵਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਵਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕਸਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਹਾਰ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ